हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 15 मार्च 2020। आज का वीकली एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। पहले तो 15 मार्च का जो भी एमसीक्यू रहेगा उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी रिवाइज एमसीक्यू है उन्हें डिस्कस कर लेंगे। थे तो फर्स्ट न्यूज़ है, पाई दिवस कब मनाया गया है। तो पाई, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं सभी लोग जानते हैं, इसे कहते हैं पाई। तो पाई दिवस कब मनाया गया है, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक साही का नया साल सिख धर्म में प्रयुक्त कौन सी तारीख को प्रारंभ किया गया है। तो ये भी 14 मार्च को शुरू किया गया है, चैत के महीने से शुरू होता है। मतलब जो हिंदी में माह होते हैं उसमें से चैत के महीने से ये शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबीएस स्विस ब्रोकरेज संस्थान द्वारा भारत के लिए किए गए 2020 से 2021 जीडीपी विकास पूर्वानुमान कटौती करते हुए कितना बताया है। तो 5.1% बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया नया महंगाई भत्ता कितनी परसेंट बढ़ाया गया है। तो 21% तक बढ़ा दिया गया है, ओके, और 4% की इसमें वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यस बैंक के लिए पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक का कितना हिस्सा जो है खरीदेगा। अब जो भारतीय स्टेट बैंक है वो अधिग्रहण करेगा यस बैंक का, तो 49% अधिग्रहण कर लेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है जिसे इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, जिसे हैंडसेट निर्माता लावा इंटरनेशनल द्वारा पेश किया गया है। तो लावा पे ऐप, इसको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, विदाउट इंटरनेट ये पे करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस की पहली जो महिला राष्ट्रपति है वह कौन बनी है। तो वो बनी है कैथरीना सकेला रोपोलो, और ये है 63 वर्ष की। ग्रीस की कैपिटल अगर पूछ ली जाए तो वो होती है एथेंस, और करेंसी होती है यूरो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च को किस शहर में गंगा आमंत्रण अभियान शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जघन्य अपराध और अंतर्राज्य समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए नया केंद्र का नाम क्या है। तो वो है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र का स्थान क्या रहा है। तो वो रहा है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दुर्गकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसका वितरण पर केंद्र योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए मंजूर की गई है। तो 3 वर्षों के लिए, 2019 से 2020 से ये शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सशस्त्र बल कौन सा है जो आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच साइबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित विभिन्न कौशल में दिव्यांग सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। बस 2020 से 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं, सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल शतरंग युवा हब और युवाओं के लिए एक प्रशिक्षु योजना, 3 योजनाएं जो शुरू की गई हैं, तो ये किस राज्य में शुरू की गई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री हॉपर खोजी गई नई प्रजाति है जिसका नाम कलाकार लेडी गागा के नाम पर रखा गया है। ट्री हॉपर की एक प्रजाति खोज ली गई है जिसका नाम है, तो जिसको कलाकार जो है एक लेडी गागा उनके नाम पर रख दिया गया है, काइकिया गागा, ठीक है, मैम्ब्रोसीडा परिवार की ये ट्री हॉपर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी खोजने के उद्देश्य से मानव रहित एक्सो मार्स अभियान किन देशों का संयुक्त अभियान है। तो ये रूस और यूरोपीय संघ का संयुक्त अभियान है। अब जो भी ये न्यूज़ फॉर्म हुई उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय आपको काठमांडू में मिल जाएगा। सार्क की अब वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, ओके। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ओके। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नमामि गंगे की शुरुआत अगर पूछ ली जाए कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान किस दिन सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, तो 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो हैं गुरु नानक देव जी। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख विभाग की स्थापना कब हुई, तो 11 मार्च 1986
1986 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं रिवाइज क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। रक्षा खुफिया विभाग के पहले महानिदेशक और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस के प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2019 के अनुसार बस 2015 से 2019 की अवधि की में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश बन गया? तो वो बना है सऊदी अरब, और द्वितीय स्थान पर है भारत, सेकेंड प्लेस पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 से बस 2019 की अवधि में दुनिया के सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है? तो वो है रूस। रूस की कैपिटल होती है मॉस्को, यहाँ की करेंसी हो जाती है रूबल, अगर यहाँ की डाइट पूछ ली जाए तो वो होती है डियोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम स्थान पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद ने 8 मार्च 2020 को किस योजना की शुरुआत की जिससे उच्च विद्यालय में गुणवान लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित चुनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो वो है विज्ञान ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर पुलिस कहाँ की है जो अफ्रीकी नागरिकों के लिए हेलो अफ्रीका डेस्क नाम से एक शिकायत निवारण पेज मेज जो है स्थापित करेगी? तो वो है बेंगलुरु शहर की पुलिस, और पूर्वी बेंगलुरु में बंसनवाली क्षेत्र में। तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व क्रिकेट 2020 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो वो बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और इन्होंने भारत को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया किस वैश्विक संगठना के सदस्य के रूप में 38 अन्य राष्ट्रीय संघों में शामिल हो गया है? तो विश्व मास्टर हॉकी संगठना सदस्य के रूप में अन्य जो 38 राष्ट्रीय संघ है उसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया मास्टर्स समिति के संयोजक कौन है? तो वो है कप्तान RP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया मास्टर्स समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह भारतीय कौन है जो विश्व क्रिकेट 2020 की ICC महिला T20 प्लेइंग 11 संघ में चुनी गई हैं? तो वो हैं पूनम यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं रानी रामपाल महिला वर्ग में, और मनप्रीत सिंह जो हैं पुरुष वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार 2019 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं हरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन में माइलस्टोन अवार्ड के विजेता कौन बने हैं? तो बने हैं दीप ग्रेस एक्का, कोथाजीत सिंह और सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 सम्मान के विजेता कौन है? तो वो हैं विवेक सागर प्रसाद पुरुष वर्ग में, और लाल रेम सियामी महिला वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के विजेता कौन बनी है? तो वो बनी है रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2019 के गोल रक्षक के लिए बलजीत सिंह पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं कृष्ण वी पाठक। तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन में डिफेंडर ऑफ द ईयर के विजेता कौन बने हैं? तो डिफेंडर ऑफ द ईयर बने हैं हरमनप्रीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवमोग्गा के कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई धान की नई लाल किस्म का नाम क्या है? तो वो है सह्याद्री मेघा। ओके, अब जो राष्ट्रीय रक्षा खुफिया विभाग है उसकी स्थापना हुई थी 2002 में। पोषण अभियान की प्रारंभ अगर पूछ ली जाए कब हुई थी, तो वो हुई थी 18 दिसंबर 2017 में। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून को 1909 में हुई थी। आदर्श बाग की अगर पूछ लिया जाए तो क्रिकेट फॉर गुड मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो दुबई में UAE में हो जाएगा। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद की स्थापना बस 1988 में हुई थी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, किस बल ने नलवाड़ी जिले में महिलाओं के लिए स्ट्रॉन्गर सोसाइटी विषय पर आधारित आत्मरक्षा पर एक प्रदर्शन आयोजित किया है? तो वो भारतीय सेना ने आयोजित किया है।
भारतीय तटरक्षक बल सार एक्स 2020 अभ्यास कहाँ समुद्र में आयोजित किया गया? तो वास्को डिगामा में, जो कि गोवा की सबसे बड़ी सिटी है, और 5 से 7 मार्च को ये आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2014 से सितंबर 2019 अवधि के दौरान कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह कितना है? तो वो है 318 अरब अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का 64वां सत्र 9 मार्च 2020 को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 5-5 को नया जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ने सोशल नॉर्म इंडेक्स, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किन 4 देशों में अपने लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका में अपने लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 4 AAI द्वारा संचालित हवाई अड्डों को किन 4 AAI द्वारा संचालित हवाई अड्डों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एरोड्रोम में चुना गया है, जिन्हें 2019 ASQ पुरस्कार समारोह में 4 अलग अलग श्रेणियों में 10 पुरस्कार मिले हैं? तो वो चंडीगढ़, मैंगलुरु, त्रिवेंद्रम और लखनऊ, ये 4 हवाई अड्डे हैं, इन्हें अलग अलग श्रेणियों में 10 पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो वो है जैक मा, और दूसरे प्लेस पर अगर पूछ ले जाए तो वो है मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए उप प्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं चालासानी बैंकेट नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कामकाज के 5 दिवस का सप्ताह प्रणाली को रद्द कर दिया है और घोषणा की है कि केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टियां मिलेंगी? तो ये सिक्किम में 1 अप्रैल से ये प्रभाव में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार किया गया नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो कोवा पंजाब ऐप। ओके, और इन WHO के द्वारा COVID-19 नेम दिया गया है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना। किस भारतीय संस्थान ने एक वाई ल्यूमिनेंट सुरक्षा स्याही विकसित की है जो जांचते समय लाल और हरे रंग में चमकेगी? तो CSI ने ये स्याही लॉन्च की है, जिससे क्या होगा, जो भी टेस्ट होंगे अगर लाल आता है तो उसका मतलब वो गलत होगा, और हरा आता है इसका मतलब वो सही होगा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में एक इंक जो है विकसित कर दी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कर पूछ ली जाए तो 10 मार्च 1969 में हुई थी, 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो वो ही 29 जुलाई 1957 को वियना में इसका मुख्यालय मिल जाएगा। भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1891 में, स्थान दिल्ली में। ओपेक की स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 22 नवंबर 1965 को ही, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 12 मार्च को मनाया गया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा 2020 के लिए अनुमानित किया गया भारत की विकास दर कितनी है? तो वो है 5.3%। अंकटाड के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार COVID-19 का प्रकोप वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कितने फीसदी सिकोड़ सकता है, मतलब कम कर सकता है? 5 से 15% तक कम कर सकता है। 11 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में शांति प्रक्रिया में हाल की प्रगति का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है? तो वो अफगानिस्तान ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम शंकरलाल संगीत समारोह का 73वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल महासचिव ने सुझाव दिया कि राष्ट्रमंडल कोष में से एक का नाम किस नेता के नाम पर रखा जा सकता है? तो राष्ट्रमंडल के महासचिव ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रमंडल कोष में किसी एक नेता के नाम पर एक राष्ट्रमंडल कोष का नाम रखा जा सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया, जो कि एक लौह पुरुष हैं।
इनकी 182 मीटर की मूर्ति बनी हुई जो सबसे बड़ी है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 भारत के कई राज्यों में लागू किया गया है? तो आयुष्मान भारत, PMJAY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि किस वर्ष से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल बैग का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा? तो बस 2021 से ये सैनिटरी बैग्स और जो डिस्पोजल बैग्स हैं उनका उपयोग जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने महिलाओं से डिजी पिवोट नाम के एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया, एक विराम के बाद अपने कार्य को फिर से शुरू कर सकते हैं? तो गूगल इंडिया ने इस कार्य को शुरू करने के लिए ये डिजी पिवोट नामक एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जहां 50,915 परियोजनाओं की कुल संख्या के साथ देश भर में छत पर सोलर परियोजना की अधिकांश स्थापनाओं की सूची में सबसे ऊपर है? तो वो है गुजरात राज्य। दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में पहली महिला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है लतिका कुंडू जी। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो वो है वेरोनस पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्व सैनिक जो कि ज्यूरिख में आयोजित किए जाने वाले साइबाथलॉन 2020 में पॉवर्ड एस्को स्केलेटन दौड़ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो है अजीत कुमार शुक्ला और अरुण पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के कल्याणी शहर में खेले गए आई लीग 2020 फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का विजेता संघ कौन सा है? तो वो है मोहन बागान एजवाल संघ को इन्होंने हराया हुआ है। किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम से एक अभियान शुरू किया जो कोरोना के विषाणु प्रसार को रोकने के लिए पारंपरिक भारतीय शैली को प्रोत्साहित करेगा? तो कर्नाटक सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक नामक अभियान जो है शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो BK जौहरी जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंदी रोधी अंगूरों की एक नई संकर किस्म जो आगरकर अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई है तो उसका नाम क्या है? तो ARI-516। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग करके HIV से मुक्ति पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो एडम कैस्टिलेजो लंदन के हैं ये व्यक्ति, और पहले व्यक्ति अगर पूछ ले जाए तो टिमोथी ब्राउन, ये बर्लिन के थे। ओके, अब समन्वयन देख लेते क्या है। किरण योजना की फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नेचरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाश्नूर बन का जो होता है उसका दूसरा नाम होता है, उसका नाम होता है बंदर बुखार। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। राष्ट्रमंडल या राष्ट्रमंडल राष्ट्र की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी लंदन ब्रिटेन में। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 14 अगस्त 2008 को हुई थी मुंबई में, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का रिवाइज MCQ का बहुत ही अच्छा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं आप, हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट दे डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खबरी ऐप पर आपको ऑडियो रिविज़न करना है तो वहाँ पर फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन भी करना है। ओके, तो खबरिया पर जाइए और हर जगह हमारा अकाउंट आपको तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF वहाँ से मिल जाएंगी, जिससे आप नोट्स बनाने में आसानी रहेगी आपको। ओके, एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।